भगवान विष्णु ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था, जबकि समुद्र तो पृथ्वी पर ही है? बचपन से मेरे मन में भी ये सवाल था कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याश ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने सूक का रूप धारण करके हिरण्याश का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता था। लोगों का ऐसा मानना था कि ये सरासर गलत और मनगंत कहानी है, लेकिन नासा के एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की दो टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। जब मैंने ये खबर पढ़ा तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसके मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की थाह लगाना एक तुच्छ मानव के वश की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उनके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। कुछ लोग जिन्हें ये लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गंवार है, जिन्हें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें ये लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देखिए। जिन सभ्यताओं को मानकर आप अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं, उनके देश में जाकर देखिए। उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया है कि मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज्यादा ईसाई हैं। और हम आप जैसे बेवकूफों की धर्म परिवर्तन कराते हैं। हम आप बेवकूफ हैं जो खुद अपने ही देश और धर्म पर सवाल करते हैं। अगर उनकी तरह आपके भी पूर्वज बंदर थे तो आपका सवाल करना तथा ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा उचित है। कौन होता है नासा जो हमें ये बताएगा कि आप सही हैं या गलत? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता नासा। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था तब भारत में लाखों गुरुकुल थे, और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज्य प्रथा चल रही थी तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने तब सूर्य के दूरी के बारे में लिख दिया था, जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज अगर कुछ मूर्ख विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई नहीं हो सकता। ये अपडेट करना आवश्यक हो गया था। जिनके मन में ईश्वर के प्रति शंका है, जो वेद और पुराणों को बस एक मनोरंजन का पुस्तक मानते हैं, उनके लिए शास्त्र कहता है भगवान विष्णु के प्रति प्रीति नहीं रखने वाला अस्नेही या विरोधी, इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति मृतक के समान है। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परम तत्व है ही नहीं। जब परम तत्व है ही नहीं तो ये संसार स्वयं ही चलायमान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता है। हम ही संचार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान है, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते हैं। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने के कई कुतर्क एकत्रित कर लिए हैं। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्य अस्त और उदय होना, पेड़ पौधे, अणु परमाणु तथा मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो रहा है। जीव के अंदर चेतना कहाँ से आता है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसके जरूरत के अनुसार ही कैसे होता है?
बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप होना असंभव है। और अगर अब भी ईश्वर और वेद पुराण के प्रति तर्क करना है तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।